बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, हमने 2.5 एक्सरसाइज तक कवर किया है। जो भी सवाल है, मैंने आपको पहले भी कहा है, जो भी सवाल है आपका, आप देख लें वीडियो को, जो भी सवाल हो आपने उसकी पिक्चर बना के मुझे सेंड करनी है, मैं इंशाल्लाह वो आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। अब नेक्स्ट जो है वो है 2.6 एक्सरसाइज से पहले जो है वो 2.6 जो एक्सरसाइज है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की एक्सरसाइज है। उससे पहले ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इफ़ वाई इज़ अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड बाय द इक्वेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स आर उसकी फर्स्ट टाइम जो उसकी डेरिवेटिव होगी एफ डैश एक्स इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव। ऑब्वियसली एफ एक्स मे आल्सो बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि f किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। नाउ इफ डी वाई बाई डी एक्स इज डिफरेंशियबल फंक्शन ऑफ x, देन एक दफ़ा उसकी डेरिवेशन हमने की f डैश x आया, दूसरी दफ़ा हम डेरिवेशन करेंगे f डबल डैश आएगा, या इसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं या वी वाई वन भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसके सिंबल्स होते हैं। जब दूसरी बार हम इसकी डेरिवेशन के फर्स्ट टाइम उसकी डेरिवेशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, सेकेंड टाइम उसकी डेरिवेशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। उसको हम किस तरह से रीड करते हैं, आर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इस कॉल सेकेंड डेरिवेशन। उसके बाद सेकेंड डेरिवेशन को इस तरह से डी डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स भी हम लिख सकते हैं इसको अलग अलग करके। उसके बाद अगेन हम इसकी जब लेंगे डेरिवेशन इफ डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की अगेन डेरिवेशन लेंगे तो उसकी कितनी टाइम डेरिवेशन होगी, थ्री टाइम डेरिवेशन आ जाएगी, या इसको वाई ट्रिपल डैश भी लिखेंगे या एफ ट्रिपल डैश एक्स भी लिख सकते हैं इसको। इस तरह से ये डेरिवेशन होती है, जाके ये एंथ टर्म तक इसकी डेरिवेशन जाएगी। ये एंथ टर्म तक डेरिवेशन क्या होगी, डी एन वाई डी एक्स एन इज इक्वल टू डी एक्स होल डी एक्स एन माइनस वन वाई डी एन माइनस वन वाई डिवाइड बाई डी एक्स एन माइनस वन। ये होती है हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। हाई ऑर्डर डेरिवेटिव में किस तरह से फर्स्ट डेरिवेशन लेते हैं, सेकेंड डेरिवेशन लेते हैं, थर्ड डेरिवेशन लेते हैं, जितने तक हमने हमें सवाल में कहा होगा भाई इतने तक आपने डेरिवेशन लेनी है तो आपने वहाँ तक डेरिवेशन लेनी होगी। अब नेक्स्ट जो है उसके मेथड पे हम मूव करते हैं, मेथड कौन कौन से होते हैं, किस तरह से ये सॉल्व होते हैं प्रॉब्लम, अब नेक्स्ट हम उसकी तरफ मूव करेंगे। अब फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है फाइंड, क्या करना है हमने वाई की फाइंड फोर दफ़ा हमने डेरिवेशन करनी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज वाई। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है वाई, वाई इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। y इज इक्वल टू इसकी फर्स्ट टाइम डेरिवेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 3x, 3x पावर 4 माइनस 4x प्लस x माइनस 2। उसकी फर्स्ट टाइम डेरिवेशन क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12x क्यूब माइनस 8x प्लस 1। उसकी सेकेंड टाइम डेरिवेशन क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36x स्क्वायर माइनस 8। थ्री टाइम उसकी डेरिवेशन क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 36 72x होगी। उसके बाद हमने कितनी दफ़ा डेरिवेशन करनी है, 4 टाइम डेरिवेशन करनी है, तो इसकी डेरिवेशन क्या होगी, 72 होगी। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है y इज इक्वल टू साइन माइनस 1x होल स्क्वायर शो डेट दी, ये हमने ये शो करना है राइट हैंड साइड पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लेट हम करते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, वाई 1 2 पावर क्या है नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 साइन इनवर्स x d, साइन इनवर्स की हम डेरिवेशन करेंगे d बाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, 1 ओवर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर वो हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
अब क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है, ये सारा जो टर्म है, ये राइट ये इस साइड पे लेकर जाएंगे, ये क्या होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर रेडिकल वाई वन होगा इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स एक्स होगा। स्क्वायरिंग करेंगे हम बोथ साइड पे, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हमने लिया था, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर किसके बराबर लिया था, वाई के बराबर लिया था। वन माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रेडिकल, यहाँ पर होल स्क्वायर देंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर होल एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट की, अब हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसकी, ये क्या है, ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन में है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट में लगेगा, वी सेम यू की डेरिवेशन प्लस यू सेम वी की डेरिवेशन, यू सेम वी की डेरिवेशन टू वाई वन वाई टू प्लस वी सेम वाई वन स्क्वायर, यू की डेरिवेशन क्या होगी, टू नीचे आ जाएगा माइनस टू एक्स होगा। उसके बाद ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है तो इसकी कोई डेरिवेशन नहीं होगी, फोर वाई वन लिखेंगे हम। अब टू वाई वन और वाई टू ये सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू वाई वन को हम बाहर लिखेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर और वाई टू माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई वन माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। एस ये बता रहा है कि वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ये दो तीन एग्जांपल्स थी वो हमने की हैं हायर डेरिवेटिव की। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड वाई की फोर्थ दफ़ा डेरिवेशन वाई पावर फोर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ वाई। अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। लेट करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, y इज इक्वल टू थ्री एक्स पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स माइनस टू। फर्स्ट टाइम इसकी डेरिवेशन करेंगे तो फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री ट्वेल्व एक्स और एक माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, पावर में थ्री ट्वेल्व एक्स क्यूब माइनस एट एक्स प्लस वन। वाई टू की क्या होगी, थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट। वाई थ्री इज इक्वल टू सेवेंटी टू एक्स और वाई फोर की क्या होगी, सेवेंटी टू होगी। इसकी क्या हमने की, फोर्थ टाइम हमने डेरिवेशन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स। उसकी फर्स्ट टाइम हम डेरिवेशन करेंगे तो ये कौन सा प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यू सेम वी की डेरिवेशन प्लस यू प्लस वी सेम यू की डेरिवेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, यू सेम यू क्या है हमारा साइन एक्स है और वी की डेरिवेशन क्या होगी, लॉग एक्स की वन ओवर एक्स होगी प्लस वी सेम वी क्या है हमारा लॉग एक्स है और यू की क्या डेरिवेशन होगी, साइन एक्स की कॉस एक्स होगी। उसके बाद सेकंड टाइम हम डेरिवेशन लेंगे, इसको हम एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं या इसको डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं या इसको वाई टू भी हम लिख सकते हैं। इसमें भी इस तरह सा है, वाई वन भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं या डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी डेरिवेशन होगी, सेकेंड टाइम जो इसकी डेरिवेशन होगी, यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन एक्स डॉट वन ओवर एक्स यू सेम साइन एक्स सेम, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स इनवर्स होगा, वन माइनस वन माइनस टू होगा, माइनस टू नीचे आएगा तो क्या होगा, माइनस वन माइनस टू, माइनस वन नीचे आएगा ये माइनस का होगा टर्म और माइनस वन माइनस वन माइनस टू होगा, इसको नीचे लेकर आएंगे तो क्या होगा, वन ओवर एक्स स्क्वायर होगा। या मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, आप थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे फिर भी आपको आ जाएगा, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। आगे फिर क्या होगा, प्लस प्लस वी सेम वन ओवर एक्स सेम और साइन की डेरिवेशन क्या होगी, कास होगी। यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, लॉग लॉग एक्स सेम यू सेम वी की डेरिवेशन कास की क्या होगी, माइनस साइन होगी, प्लस यू सेम v सेम cos x सेम और log x की डेरिवेशन क्या होगी, वन ओवर x होगी। अब इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करके सीधा तरीके से लिखते हैं,
माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी, माइनस बाहर आ जाएगी, माइनस साइन एक्स वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखें यहाँ पर दो टर्म में वन ओवर एक्स कॉस एक्स और वन ओवर एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर टू वन ओवर एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, उसके बाद ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस साइन एक्स लॉग एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। आगे आके उसकी जब हम थर्ड टाइम हम डेरिवेशन लेंगे, माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक, साइन एक्स इस टर्म को, अब इसकी हमने डेरिवेशन लेनी है थर्ड टाइम। ये क्या है, कौन सा फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, यू सेम वी की डेरिवेशन प्लस वी सेम यू की डेरिवेशन। अब क्या है, यू सेम है यहाँ पर, अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस टू होगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री होगा और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस टू को नीचे लेकर आएंगे, ये माइनस थ्री होगा, एक्स पावर माइनस थ्री होगा तो इसको नीचे लेके आएंगे, ये एक्स पॉजिटिव एक्स पावर थ्री हो जाएगा। उसके बाद वी सेम प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर सेम, कास की क्या होगी, साइन की क्या होगी, डेरिवेशन कास होगी। उसके बाद इसमें भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, टू को हम बाहर निकाल के देंगे, यू सेम यू हमने सेम रखा, वन ओवर एक्स सेम रखा, कास की डेरिवेशन क्या होगी, साइन होगी माइनस साइन। उसके बाद वी हमने प्लस वी सेम कास सेम, और यू की डेरिवेशन क्या होगी, इसको एक्स को हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस वन होगा, माइनस नीचे आ जाएगा, माइनस वन नीचे आ जाएगा तो ये सारा टर्म क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन माइनस टू होगा, उस टर्म को हम एक्स पावर माइनस टू हो जाएगा, उस टर्म को हम नीचे लेकर आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं सीधे तरीके से, माइनस साइन एक्स डॉट लॉग एक्स, उसके बाद ये फोर्थ टर्म भी हमारी रहती है, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया। इसके बाद यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यू सेम वी की डेरिवेशन। अब यहाँ पर भी ये इस तरह से है, यू सेम है, साइन एक्स सेम है, लॉग एक्स क्या होगी, वन ओवर एक्स होगी प्लस लॉग एक्स, साइन की क्या होगी, कॉस होगी। उसके बाद ये है टू वन ओवर एक्स क्यूब साइन एक्स, टू को हमने बाहर निकाल लिया, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, वन ओवर एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस थ्री। अब देखें कौन से टर्म है, वन ओवर एक्स स्क्वायर वाले, एक ये टर्म है वन ओवर एक्स स्क्वायर वाला, एक कास के साथ ये वाला टर्म है, एक कौन सा टर्म है, अच्छा दो, ये टू को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू कॉस एक्स वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर माइनस टू कॉस एक्स वन ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का वन ओवर एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस का वन ओवर एक्स स्क्वायर है तो माइनस को हम बाहर निकाल के आएंगे, वन ओवर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ये टर्म आ गए। उसके बाद अब ये टू माइनस टू ये और माइनस साइन एक्स वन ओवर एक्स ये वाले टर्म्स इकट्ठे आ जाएंगे, माइनस थ्री माइनस टू और माइनस वन क्या होंगे, माइनस थ्री होंगे, माइनस थ्री को बाहर निकाल के आएंगे, ये कॉमन लेंगे हम, साइन एक्स वन ओवर एक्स साइन एक्स कॉमन लिया। उसके बाद कौन सी टर्म बची हमारी, अब ये वाली टर्म बची, अब इसके साथ बाहर माइनस है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या होगा, लॉग एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद इसकी फोर्थ दफ़ा हम इसकी क्या लेंगे, डेरिवेशन लेंगे। अब किस तरह से होगा, इनमें क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है उस तरह से, जिस तरह से वही था, यू सेम वी की डेरिवेशन, यू सेम वन ओवर एक्स क्यूब सेम, साइन की डेरिवेशन कॉस, और वी सेम वी क्या है, साइन एक्स सेम है, इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस थ्री, माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा आके इसके साथ इस टर्म के साथ, और माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर होगा, इसको नीचे लेकर आएंगे, एक्स पावर फोर हो जाएगा। उसके बाद इस पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस थ्री को हमने बाहर निकाल दिया, यू सेम वन ओवर एक्स स्क्वायर सेम, कॉस की डेरिवेशन क्या होगी, माइनस साइन होगी, यू सेम यू क्या, वी सेम क्या है हमारा, प्लस कॉस एक्स, और इस टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स पावर माइनस टू, एक्स पावर माइनस टू होगा, माइनस टू नीचे आ जाएगा तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री होगा, इसको नीचे लेकर आएंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इस टर्म की हमने डेरिवेशन लेनी है,
माइनस थ्री यू सेम वन ओवर एक्स सेम, साइन की क्या होगी कास होगी, प्लस साइन एक्स वी सेम और यू की डेरिवेशन क्या होगी, इस टर्म को हम एक्स को हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस वन होगा, माइनस वन होगा, माइनस वन मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, माइनस वन माइनस वन क्या होगा माइनस टू होगा, ये नीचे लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अब कौन सा टर्म हमारा रह गया, एक ये वाला टर्म रह गया। अब इसकी भी किस तरह से होगी, प्रोडक्ट रूल से होगी, यू सेम यू सेम वी की डेरिवेशन कास क्या होगी माइनस साइन होगी, प्लस वी सेम वी क्या है हमारा कास एक्स सेम होगा, और यू की डेरिवेशन लॉग एक्स क्या होगी वन ओवर एक्स होगी। अब उसके बाद हम देखेंगे कौन से टर्म एक जैसे हैं उनको हम इकट्ठे लिखेंगे, कौन से टर्म अलग हैं उसको अलग करके लिखेंगे। टू वन ओवर एक्स क्यूब कास एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई टू कितना होगा माइनस सिक्स होगा, वन ओवर एक्स पावर फोर साइन एक्स प्लस थ्री वन ओवर एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री वन ओवर एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस टू माइनस थ्री, माइनस माइनस थ्री माइनस टू माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई टू कितना होगा सिक्स होगा, वन ओवर एक्स क्यूब कॉस एक्स। उसके बाद इस टर्म पे आ जाते हैं, माइनस थ्री वन ओवर एक्स कॉस एक्स ठीक है, और माइनस टू माइनस प्लस थ्री वन ओवर एक्स स्क्वायर साइन एक्स। उसके बाद ये वाली टर्म आप आ जाते हैं, माइनस टू माइनस प्लस होगा लॉग एक्स साइन एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस होगा वन ओवर एक्स कॉस एक्स। अब देखें कौन सी टर्म एक जैसी हैं, कौन सी टर्म अलग हैं उनको हम इकट्ठे लिखेंगे, किस कौन सी टर्म अलग अलग हैं उसको हम इकट्ठे लिखेंगे। जिस तरह से ये वाली टर्म होगी, ये वाली टर्म और कौन सी टर्म है यहाँ पर, और ये वाली टर्म, सिक्स और टू कितने हो गए एट हो गए, सिक्स प्लस टू एट हो गए, ये कॉमन है वन ओवर एक्स क्यूब कॉस एक्स ठीक है, एक टर्म ये होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं वन ओवर एक्स वाली टर्म पे, एक ये टर्म है माइनस थ्री और ये वाली एक टर्म है माइनस वन, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर कॉस एक्स वन ओवर एक्स। अब आ जाते हैं साइन वाली टर्म पे, कौन कौन सी हैं साइन वाली टर्म, एक ये है एक्स स्क्वायर वाली कौन सी टर्म है, एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस सिक्स हो गया साइन एक्स वन ओवर एक्स स्क्वायर। अब कौन सी टर्म बची, एक ये वाली टर्म बच गई माइनस सिक्स साइन एक्स डॉट वन ओवर एक्स पावर फोर। ये सवाल था हाई ऑर्डर डेरिवेटिव के, आगे भी एक सवाल एक दूसरा सवाल भी है मैंने सॉल्व किया हुआ है वो भी हम करते हैं। ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कोई भी सवाल हो आपका इसके रिलेटिव, आपने पिछली भी एक्सरसाइज की होगी उनके रिलेटिव भी कोई भी सवाल हो आपने पूछना है, उसकी पिक्चर बना के मुझे सेंड करनी है जिस सवाल के आपने आप डाउट हो, फिर मैं आपको वो सॉल्व करके भेज दूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है टू एक्सरसाइज 2.6 का नेक्स्ट जो पार्ट है उसका फर्स्ट सवाल है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू टेन पी थीटा, इफ़ एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू टेन पी थीटा देन प्रूव डेट वन प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई वन माइनस पी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। लेट करते हैं x किसके बराबर है हमारे पास tan थीटा के बराबर है, यहाँ से थीटा हमने निकालना है तो क्या बनेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बनेगा, इनवर्स हो जाएगा tan क्या होगा इनवर्स हो जाएगा जब हम थीटा को निकालेंगे यहाँ से। y इज इक्वल टू y किसके बराबर उसने दिया हुआ है tan p, अब थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे tan इनवर्स x पे पुट करेंगे, इस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम tan इनवर्स, क्योंकि थीटा किसके इक्वल है tan इनवर्स x के इक्वल है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट टाइम उसकी डेरिवेशन करेंगे वाई वन इज इक्वल टू टेन की डेरिवेशन क्या होगी सेक स्क्वायर होगी पी टेन इनवर्स एक्स, अब इस फंक्शन की क्या डेरिवेशन होगी डी ओवर डी एक्स पी टेन इनवर्स एक्स
इस फंक्शन की हम डेरिवेशन करेंगे माइनस वन प्लस, वन प्लस क्या होगा टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर पी यहाँ पर आगे कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर ये कौन सा फार्मूला लगेगा, वी सेम यू की डेरिवेशन वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये इज इक्वल टू निशानी है, ये माइनस नहीं है, ये इज इक्वल टू निशानी है, इज इक्वल टू की निशानी है, वन प्लस टेन स्क्वायर पी टेन इनवर्स एक्स डॉट पी वन ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये इसकी डेरिवेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद ये वन प्लस एक्स स्क्वायर y1 वन इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर पी और वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन माइनस पी वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, हैंस ये मेथड क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा आप, मैंने जो भी वीडियोज़ अपलोड की हैं, पिछली भी वीडियोज़ अपलोड की थी 2.5 एक्सरसाइज की, उसके मेथड्स की, उसके प्रॉब्लम की, आज ये वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ, इसके मेथड किस तरह से होते हैं हायर डेरिवेटिव के और इसके क्वेश्चंस किस तरह से हैं, ये भी मैंने आपको करके बताए हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछें, नहीं पूछेंगे तो ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। आपने जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप पूछें मुझसे, नहीं पूछेंगे तो फिर आपका अपना ही नुकसान है, मुझे मेरा कुछ न जाने फिर उसमें। इसलिए मेहरबानी करके जो भी सवाल हैं आपके आप पूछते जाएं, इस तरह से मैं एक्सरसाइज जो है आगे लेता जाऊंगा, पिछले फिर मुझे कुछ ना कहना कि आपने सर कुछ पढ़ाया नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूँगा और आपको वो अच्छे तरीके से समझा भी दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।